हिंदी सिनेमा की वो महान शख्सियत जो 55 सालों तक अपने हुनर से सिनेमा के शौकीनों का मनोरंजन करता रहा, जो महज एक एक्टर नहीं बल्कि एक डायलॉग राइटर और स्क्रीन राइटर भी था। अपनी सदाबहार एक्टिंग से कभी इन्होंने दर्शकों को हंसाया तो कभी दर्शकों को रुलाया भी। विलेनी में भी इन्होंने बड़ा शानदार मुकाम हासिल किया था। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का ऐसा कौन सा सितारा रहा होगा जो इनके दौर में रहा हो और जिसने इनके साथ काम ना किया हो। एक्टर्स तो इनके साथ काम करने के लिए तरसा करते थे। 22 अक्टूबर 1937 को अफगानिस्तान की राजधानी के काबुल में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता अब्दुल रहमान खान एक अफगानी पठान थे, वहीं इनकी माता इकबाल बेगम भी पठान थी और वे बलूचिस्तान के पीशीन इलाके के। कादर खान जब काफी छोटे थे तो इनके माता पिता काम की तलाश में मुंबई आ गए। इनका बचपन बेहद गरीबी इतनी ज्यादा थी कि उसके चलते इनके माता पिता में झगड़ा होने लगा और आखिरकार इनके माता पिता तलाक लेकर अलग हो गए। कादर खान और उनके बाकी भाई अपनी माँ के साथ ही रहे। इनकी माँ दूसरों के घरों में काम करके किसी तरह अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही थी। इसी बीच इनके नाना ने इनकी माँ पर दूसरी शादी करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया और आखिरकार इनकी माँ को दूसरी शादी करनी पड़ गई, लेकिन अपने सौतेले पिता से कादर खान की कभी नहीं बनी। वहीं इनकी माँ अभी भी जी तोड़ मेहनत कर रही थी। माँ को इस तरह दिन रात मेहनत करती देखकर कादर खान को बड़ा दुख होता था। एक बार तो इन्होंने फैसला कर लिया कि पढ़ाई छोड़कर अपने साथ के दूसरे बच्चों संग ये भी किसी फैक्ट्री में काम किया करेंगे, कम से कम इनके घर की गरीबी तो दूर होगी। किसी तरह इस बात की खबर इनकी माँ तक पहुँच गई। तब माँ ने इन्हें समझाया कि तेरे 2-3 रुपए कमाने से हमारे घर की गरीबी दूर नहीं होगी, इसलिए तू सिर्फ पढ़ाई कर, क्या पता तेरी पढ़ाई से ही हम सबका भला हो जाए। माँ की ये बात कादर खान के जहन में इस तरह बैठ गई कि फिर तो इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और खूब मन लगाकर पढ़ाई की। इन्होंने इस्माइल यूसुफ कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और फिर उसके बाद इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग भी की। इन्हीं दिनों में ये अपने कॉलेज में होने वाले ड्रामा में हिस्सा लेने लगे थे और इनकी एक्टिंग को लोग खूब पसंद किया करते थे। इंजीनियरिंग पूरी होने के बाद इन्होंने मुंबई के बायखला में मौजूद एमएच सबयू कॉलेज में 1970 से 1975 तक बतौर सिविल इंजीनियर प्रोफेसर काम भी किया। नाटकों में काम करना, इन्होंने यह अपने नाटकों को खुद ही लिखते थे और खुद ही उन नाटकों को डायरेक्ट भी करते थे। इतना ही नहीं, अपने लिखे नाटक में ये एक्टिंग भी किया करते। इसी दौरान अपने कॉलेज के एनुअल डे में इन्होंने जो नाटक किया वो बेहद मशहूर हो गया। उस नाटक को हर कैटेगरी के अवार्ड मिल गए। वो नाटक इतना चर्चित हुआ कि दिलीप कुमार साहब ने वो नाटक देखने की ख्वाहिश जताई। फिर जब दिलीप कुमार साहब के सामने उस नाटक का मंचन फिर से किया गया तो कादर खान से बेहद प्रभावित हुए। लोकल ट्रेन नाम के उस नाटक में दिलीप साहब को कादर खान की अदाकारी बेहद पसंद आई और दिलीप साहब ने तुरंत इन्हें 2 फिल्मों के लिए साइन कर लिया। ये फिल्में थी सगीना महातो और बैराग। हालांकि इनके करियर की पहली फिल्म रही फज्र अल इस्लाम नाम की एक धार्मिक फिल्म, लेकिन इस फिल्म का कोई नाम ही नहीं हुआ। कादर खान के करियर की पहली फिल्म मानी जाती है साल 1973 में रिलीज हुई दाग, जिसमें ये एक वकील की भूमिका में नजर आए थे। इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ कि बॉलीवुड में बतौर लेखक भी इनका करियर शुरू हो गया। हुआ कुछ यूं कि डायरेक्टर नरेंद्र बेदी एक दिन कादर खान के पास पहुंचे और इनसे बोले, मैंने तुम्हारा वो बेहद मशहूर नाटक देखा और मैं चाहता हूं कि तुम मेरी फिल्म जवानी दीवानी के डायलॉग लिखो। और इस तरह से ये बॉलीवुड में राइटर भी बन गए। कहना चाहिए कि अमिताभ बच्चन को महानायक बनाने में इनके लिखे डायलॉग्स का बहुत बड़ा हाथ है। अमिताभ के पसंदीदा डायरेक्टर्स मनमोहन देसाई और प्रकाश मेहरा अपनी फिल्म के लिए कादर खान से ही डायलॉग लिखवाया करते थे। अमिताभ बच्चन की कई फिल्मों के डायलॉग्स इन्होंने लिखे। कादर खान ने फिल्मों के केवल डायलॉग्स ही नहीं लिखे बल्कि कई फिल्मों के तो इन्होंने स्क्रीन प्ले भी लिखे। बतौर कॉमेडियन तो ये लंबे समय तक बॉलीवुड पर राज करते रहे, लेकिन बतौर विलन भी कादर खान साहब ने खूब नाम कमाया, लेकिन बाद में इन्होंने विलनी छोड़ दी। विलनी इन्होंने क्यों छोड़ी, इसके पीछे की कहानी भी बड़ी दिलचस्प। हुआ दरअसल यूं कि कादर खान साहब ने एक दिन देखा कि इनके बेटे सरफराज के सर पर चोट लगी थी, उसके सर से खून बह रहा था। कादर खान ने जब अपने बेटे से वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि मोहल्ले के लड़के उसे ताना मार रहे थे कि तेरा बाप तो विलेन है। बस इसी बात पर झगड़ा हो गया और उसका सर फूट गया। बस तभी इन्होंने फैसला कर लिया कि अब ये विलेनी गोविंदा और कादर खान की कॉमिक केमिस्ट्री को भला कौन भुला सकता है। इस जोड़ी ने दर्शकों को कई फिल्मों में हंसाया।
वहीं शक्ति कपूर और असरानी संग भी इन्होंने बड़ी मजेदार कॉमेडी की। अपनी फिल्मी करियर में इन्होंने 300 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया। इनकी प्रमुख फिल्मों की बात करें तो इन्होंने गूंज, अदालत, खून पसीना, परवरिश, मुकद्दर का सिकंदर, नटवर लाल, धन दौलत, सुहाग, कुर्बानी, बुलंदी, नसीब, याराना, कालिया, सत्य पे सत्ता, हिम्मत चौधरी, जस्टिस चौधरी, कुली, चोर पुलिस, गिरफ्तार, स्वर्ग से सुंदर, इंसाफ की आवाज, खुदगर्ज, चरणों की सौगंध, बीवी हो तो ऐसी, जैसी करनी वैसी भरनी, काला बाजार, चालबाज, बाप नंबरी बेटा दस नंबरी, घर हो तो ऐसा, तकदीर वाला, बोल राधा बोल, कुली नंबर वन, जुदाई, हीरो नंबर वन, मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी, आंखें, दुल्हे राजा और अनाड़ी नंबर वन जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया। बात अगर कादर खान की निजी जिंदगी की करें तो इनके तीन बेटे थे, सरफराज खान और कुद्दूस खान। इनका बड़ा बेटा कनाडा में रहता है और उनके पास वहीं की नागरिकता है। कहा जाता है कि कादर खान ने भी अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में कनाडा की नागरिकता ले ली थी, हालांकि इस बात की कभी कोई पुष्टि नहीं हो सकी। कादर खान को मिले अवार्ड्स की बात करें तो इन्होंने 1982 में रिलीज हुई फिल्म मेरी आवाज़ सुनो के लिए फिल्म फेयर बेस्ट डायलॉग अवार्ड जीता था। साथ ही 1991 में इन्होंने बाप नंबरी बेटा दस नंबरी नाम की फिल्म के लिए फिल्म फेयर बेस्ट कॉमेडियन का अवार्ड जीता था। वहीं साल 1993 में अंगार के लिए बेस्ट डायलॉग का अवार्ड मिला और कई दफ़ा इन्हें नॉमिनेशन भी मिला। साल 2013 में कादर खान को हिंदी सिनेमा में अपने योगदान के लिए साहित्य शिरोमणि अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। 26 जनवरी 2019 को भारत सरकार ने कादर खान को मरणोपरांत पद्मश्री सम्मान से नवाजा। अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में कादर खान काफी बीमार रहने लगे थे। ये सुप्रान्यूक्लियर पाल्सी नाम की एक गंभीर दिमागी बीमारी के शिकार हो गए थे। अपने बड़े बेटे के साथ रहकर ये कनाडा में ही अपना इलाज करा रहे थे। वहीं पर 31 दिसंबर 2018 को 81 साल की उम्र में कादर खान साहब ने अपनी आखिरी सांस ली। इनकी मौत के वक्त इनका परिवार कनाडा में ही मौजूद था। 5 दशकों तक सीने प्रेमियों को हंसाने वाले कादर खान का इस तरह से जाना हर किसी का दिल दुखा गया। ही नहीं दुनिया भर के हिंदी सिनेमा के शौकीनों को कादर खान की मौत का कई दिनों तक अफसोस रहा। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए।